अगर उनके दल के नेता कह रहे हैं तो ये उनका दल का अंदर का अंदरूनी मामला है। उम्र की सीमा अभी तक नहीं निर्धारित हुई है, भले बीजेपी ने अपने एक उम्मीदवारों का एक उम्र जरूर निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, ये बात जब जेडीयू के नेता ने लिखी थी तो बिहार में बवाल मच गया था। नीतीश कुमार के अपने लोग सीएम के बूढ़े होने पर सवाल उठाने लगे, लेकिन नीतीश के विरोधी नीतीश के साथ खड़े हैं। जिस लालू प्रसाद यादव को नीतीश के सहयोगी कोस रहे थे, उसी लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती अपने चाचा के ऊपर, उनके उम्र के ऊपर सवाल जब उठाया गया तो गुस्से में लाल पीला हो गई। बोले कि किसी को हक नहीं है कि सियासत में किसी के उम्र पर कोई सवाल उठा दे, और ना ही चाचा बूढ़े हुए थे और ना ही काम करने की कोई उम्र उनकी खत्म हुई है। तो बिहार के सियासत में उम्र को लेकर खूब बवाल मचा है। लेकिन जेडीयू बीजेपी के तमाम नेता, अक्सर सम्राट चौधरी को भी कई दफे, जब नीतीश से वो अलग थे तो नीतीश कुमार को बूढ़ा बोलते थे, बोले कि नीतीश कुमार के ऊपर उम्र का तकाजा है, उम्र ज्यादा हो गया, अक्सर बोला जाता था। लेकिन इस बार विपक्ष में बैठी राष्ट्रीय जनता दल और उसके सांसद मीसा भारती ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के समर्थन में बातें कही, उसे लेकर अब कहा जा रहा है कि क्या रिश्ते सुधरने वाले हैं। लालू के सामने जीतारा मांझी को कोसने वाले नेता, जब नीतीश कुमार का नाम सामने आता है तो इस तरीके से डिफेंड क्यों करने लगे। दरअसल एक बयान हमने आपको शुरू में सुनाया था, अब उस बयान का मतलब आपको बता रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर जनता दल यूनाइटेड के अंदर ही कई मौके पर, कई मंच से नेताओं ने अलग अलग बातें कही, चाहे वो एनडीए के अंदर शामिल बीजेपी के नेता हों, जेडीयू या फिर उसके दूसरे सहयोगी। सीताराम मांझी की भी बात कर लेते हैं, अक्सर नीतीश कुमार के ऊपर तंज कसते रहते थे। हाल के दिनों में रिश्ते अच्छे हुए हैं तो शायद नीतीश की तारीफ में बातें कर रहे हैं। लेकिन एक पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखी हुई कुछ लाइनें नीतीश और उनकी पूरी पार्टी को बेचैन कर दिया। बिहार की सियासत में उस सवाल की चर्चा हर जगह होने लगी और सवाल पूछे जाने लगा। इसी बीच लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचते हैं। लालू प्रसाद यादव अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद यादव से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को लेकर अब तंज कसा जा रहा है। लालू ने इस सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन जीताराम मांझी के आरोपों पर सफाई उन्होंने जरूर दी। जीताराम मांझी को एक शब्द में ही जवाब देकर लालू ने पूरे बिहार की सियासत की दिशा बदल दी। लेकिन जब यही सवाल मीसा भारती से पूछा गया तो मीसा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए और ना ही किसी को सर्टिफिकेट बांटना चाहिए। सवाल यही खत्म नहीं होता, सवाल मीसा भारती का इस जवाब के साथ शुरू होता है जब ये पूछा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्र ज्यादा हो गई है, ऐसे में उनसे कुर्सी नहीं संभल रही है, सत्ता में उन्हें अब नहीं रहना चाहिए। मीसा भारती ने जो जवाब दिया वो तो आपने सुना ही था, पूरा जवाब हम आपको फिर से सुनाएंगे। मीसा भारती ने कहा कि सियासत में किसी व्यक्ति की कोई उम्र की सीमा नहीं होती है। दरअसल मीसा भारती के इस बयान के कई मायने हैं। एक, अगर मीसा भारती भी इसका जवाब नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर देती तो पहला सवाल उठता कि लालू प्रसाद यादव की भी तो उम्र ज्यादा हो गई है, फिर वो सियासत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मीसा भारती को यह पता था कि अगर वो इस तरीके के जवाब देंगी तो नीतीश कुमार के साथ उनके पिता लालू प्रसाद यादव के ऊपर भी सवाल उठेगा। लिहाजा मीसा भारती ने लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए जो जवाब दिया वो नीतीश के पक्ष में चला गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी उम्र राजनीति में कोई मायने नहीं रखती है। हाँ, बीजेपी को कोसने में मीसा भारती पीछे नहीं रही। मीसा भारती ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने एक उम्र का नियम बना रखा है अपने पार्टी में, लेकिन वो नियम उनके ऊपर लागू नहीं होता है। ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इशारा था मीसा भारती का। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले चुनाव के वक्त यह तय किया था कि जिनकी उम्र ज्यादा हो जाएगी उन्हें चुनाव के मैदान में नहीं उतारा जाएगा, लेकिन जब चुनाव आया तो ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों की बातों को छोड़ दिया गया, वैसे लोगों पर ज्यादा भरोसा जताया गया जिसमें नरेंद्र मोदी की भी उम्र शामिल है, और कई सांसद ऐसे थे जिनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, उन्हें टिकट दिया गया और चुनाव लड़वाया गया, वो जीत कर भी आए। ऐसे में नीतीश कुमार की उम्र पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है। अगर बीजेपी के लोग कहते तो जवाब उनके लिए था, लेकिन सवाल तो जनता दल यूनाइटेड के अंदर उठ रहा था। लेकिन मीसा भारती ने नीतीश को जिस तरीके से डिफेंड किया उसके बाद ये उठने लगा
कि क्या मीसा भारती लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए नीतीश के समर्थन में खड़ी हो गई, या मीसा लालू और नीतीश के बीच के रिश्ते पहले से बेहतर हो रहे हैं। यह बातें इसलिए भी कही जा रही हो क्योंकि बिहार के सियासत में अब राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार के रिश्तों को लेकर जो बातें मंच पर कही जा रही है उसके ठीक पीछे बड़े नेताओं की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच कुछ नई खिचड़ी पकने वाली है? क्या लालू नीतीश उम्र के आखिरी पड़ाव पर जाते जाते अपने रिश्तों को फिर से सुधार सकते हैं? क्या जनता दल यूनाइटेड में कुर्सी के लालच में भारी बवाल मचने वाला है? कई तरीके के सवाल शुरू हो गए हैं, लेकिन मीसा भारती ने जिस तरीके से नीतीश के समर्थन में खड़ा होकर जवाब दिया उसकी चर्चा हर जगह हो रही है कि जिस पार्टी में पार्टी के नेता अपने ही पार्टी के सर्वोच्च नेता के खिलाफ बोल रहे हैं वहीं विरोधी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं नीतीश का? खेल कहीं दूसरा तो नहीं, क्योंकि बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। देखिए, ये अगर उनके दल के नेता कह रहे हैं तो ये उनका दल का अंदर का अंदरूनी मामला है। बाकी राजनीति में मुझे अभी तक जो देखा, मैंने जितना भी सुना समझा है, राजनीति में कोई उम्र की सीमा अभी तक नहीं निर्धारित हुई है। भले बीजेपी ने अपने एक उम्मीदवारों का एक उम्र जरूर निर्धारित किया है, लेकिन ये उनके अपने दल का निर्णय है। इस पर खुद ही बताएंगे नीतीश कुमार जी। जितना मांझी कह रहे हैं कि आप लोग यादव नहीं है, गडेड़िया है, अब उन्हीं से जाति प्रमाण पत्र तो सब बिहार के लोग को उन्हीं से लेना पड़ेगा। मांझी जी से इतने सीनियर नेता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।